सीएम सुशील कुमार मोदी लालू परिवार पर लगातार हमलावर हैं। इस बार डिप्टी सीएम ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को निशाने पर लिया है। सुशील मोदी ने तेज प्रताप को जलेबी छानने और बांसुरी बजाने का हुनर रखने वाला बताया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि बांसुरी बजाने से लेकर जलेबी छानने तक का हुनर रखने वाले तेज प्रताप को पहली बार विधायक बनते ही लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया। ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने तेज प्रताप पर यह निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है, किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में सुशील कुमार मोदी तेज प्रताप पर हमलावर हैं, निशाना साधा है। कहा है कि पहली बार ही विधायक बनते ही लालू यादव ने अपने बेटे को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया था। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह किस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करें। उनमें कुछ खासियतें होंगी तभी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने का काम किया था और स्वास्थ्य जैसे बड़े महकमे की जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंपी गई थी। सत्ता पक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है, जलन में, ईर्ष्या में रात और दिन बिना कोई, जिसका मतलब नहीं है, उन बातों को जो है रायती में परोसने का काम करते रहते हैं। जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होती है। राष्ट्रीय जनता दल तेज प्रताप यादव की ही पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है। वो अब बांसुरी बजाएं, पूरी छाने, जलेबी छाने या गोकुल वृंदावन जाएं, जो भी करें, लेकिन उनको राजनीति में कोई संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर संघर्ष करने की जरूरत तो है नहीं। वे राजद परिवार के सबसे बड़े युवराज हैं। देखिए, सभी इन्हें जानते हैं, सभी इन्हें पहचानते हैं। ये अगर लालू जी के पुत्र नहीं होते तो इन्हें कोई मानने वाला नहीं होता, ना जानने वाला होता। लेकिन चलिए, लालू जी के पुत्र हैं तो राजद में इनका दबदबा है। अब फिर भी ये देखा जाता है कि ये ऐसे ऐसे बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी को लेके हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लेके हो या अपने ही दल के रघुवंश बाबू हो या भाई वीरेन जी को लेके हो, तो ये अक्सर बिलो द बेल्ट कमेंट करते रहते हैं। बाकी करनी क्या है इनका, ये तो सभी जानते हैं।